हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अक्षय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AK टेक जोन। तो इस वीडियो में मैं आपको जेड इंडेक्स प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा, जो कि हम CSS में यूज करते हैं। तो गाइज, आप यहां देख सकते हैं मैंने यहां दो डिव क्रिएट किए हुए हैं। ये फर्स्ट ऑफ है मेरा रेड डिव है, दूसरा मेरा ग्रीन डिव है। तो मैं इसका आपको कोड दिखा देता हूँ। तो ये मेरा टाइटल है जेड इंडेक्स, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और मैंने बॉडी के अंदर दो डिव क्रिएट किए हुए हैं। एक डिव की मैं क्लास रेड लिया हुआ है और दूसरा डिव का मैं क्लास ग्रीन लिया हुआ है। तो मैंने इन दोनों क्लासेस की मैंने यहाँ पे ऊपर CSS से स्टाइल की हुई है। तो मैंने दोनों ही क्लासेस के स्टाइल को हाइट एंड विड्थ 200 पिक्सल दी हुई है। और एक का मैंने बैकग्राउंड रेड दिया हुआ है और दूसरे का मैंने बैकग्राउंड ग्रीन दिया हुआ है। तो इसका आप आउटपुट इस दे सकते हैं, ये ऐसा आ रहा है। तो गाइज, आज हम मैं आपको यहाँ पे जेड इंडेक्स प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा। तो फर्स्ट पॉइंट जेड इंडेक्स का यह है कि जो जेड इंडेक्स है वो HTML के किसी भी एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट्स के ऊपर प्लेस करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ जो ये मेरा ग्रीन डिव है ये मेरे रेड डिव के ऊपर आ जाए। तो मैं इसको प्रैक्टिकली करके आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे करेंगे इसको। तो मैं अपने कोड पर आता हूँ और मैं यहाँ पे ग्रीन डिव में जेड इंडेक्स यहाँ पे मैं 1 ले लेता हूँ और मैं इसका पोजीशन ले लेता हूँ रिलेटिव। सेव दिस फाइल, रन द प्रोग्राम। अभी आप यहाँ पे कोई नहीं देख रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ है हमारा यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे हमको मार्जिन देना होगा टॉप से। मैं टॉप से माइनस 30 पिक्सल दे देता हूँ अप्रोक्स। और मैं वो यहाँ का अब मैं दोबारा रन करता हूँ, सेव करता हूँ फाइल को। तो हमारा यहाँ पे ये जो ग्रीन है वो रेड के ऊपर आ चुका है, लेकिन आपको शो नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये सेम उसमें विड्थ हाइट में है। तो मैं इसका थोड़ा सा ग्रीन कट मार्जिन लेफ्ट कर देता हूँ ताकि आपको ये मेरा ओवरलैपिंग शो हो जाए। तो यहाँ मैं यहाँ लेफ्ट से मार्जिन क्रिएट कर देता हूँ 30 पिक्सल का। अब यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पर सेव करके फाइल ओपन करूँ और रन करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोग्राम को। या आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मेरा ग्रीन डिव था वो रेड के ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है। तो जेड इंडेक्स बेसिकली हम किसी एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट से पर ओवरलैपिंग के लिए यूज करते हैं। तो जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी के बारे में इतना ही। सो मैं अभी आपको अभी एक और करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अब मेरे को क्या करना है, जो मेरा ये रेड है डिव है, मैं इस रेड डिव को ग्रीन के ऊपर लाना चाहता हूँ। तो हम यहाँ देखते हैं हम यहाँ कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ अपना रेड क्लास के अंदर जाऊँगा, जेड इंडेक्स लिखूंगा। तो यहाँ हमने जेड इंडेक्स लिया था 2। तो यहाँ जेड इंडेक्स हम ग्रीन से थोड़ा ज़्यादा लेंगे। तो मैं अब 2 लिखता हूँ और मैं इसका पोजीशन लिख देता हूँ। अगर हम यहाँ पे पोजीशन नहीं लिखेंगे तो ये ओवरलैपिंग नहीं करेगा। तो यहाँ मैं रिलेटिव करता हूँ, सेव दिस फाइल, रन द प्रोग्राम। तो आप यहाँ दे सकते हैं जो अब क्या है, ये ग्रीन ये रेड ड्यू है ये ग्रीन के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। तो ओवरऑल बेसिक कॉन्सेप्ट मेरा जेड इंडेक्स का यही था कि हम एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से ओवरलैपिंग या उसके ऊपर
आ जाए। तो सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर।